चलो ड्राइवर साहब रही खतरी शबनम तूफान जिंदगी में कभी सोचा था किया था तब एक ने कमेंट की थी कि आप गाड़ी कब ला रहे हो, तब मैंने उसको बोला था पता नहीं जिंदगी में कभी गाड़ी ला पाएंगे कि नहीं, लेकिन मैंने कसम से नहीं सोचा था मैं जिंदगी में कभी गाड़ी भी ला पाऊंगा, सोचा था गाड़ी ला पाऊंगा, लेकिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मतलब लगभग 20-22 ईयर उसके बाद देखेंगे गाड़ी वगैरह का सीन। लेकिन हमने एक गाड़ी परचेज कर लिया है, सेकेंड हैंड गाड़ी परचेज कर लिया है, एंड मेरी फैमिली को मतलब थोड़ा सा पता था, ज्यादा उनको नहीं पता था मैं गाड़ी एक लाने वाला हूँ, पापा को पता था एंड मम्मी को भी पता था, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत, वो बोल रहे थे क्या गाड़ी वगैरह लाओगे वो ये, एंड पापा ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया उसमें, तो फाइनली हमने ये गाड़ी लाई। ठीक है, क्योंकि अब से बहुत सारे लोग बोलते थे भाई साहब भाई गाड़ी कब लाओगे, गाड़ी कब लाओगे, गाड़ी कब लाओगे, तो फाइनली मैंने एक गाड़ी लाई। एंड जब मैं गया था गाड़ी लाने के लिए तब मैंने व्लॉग कुछ भी नहीं शूट किया था, ठीक है, बिकॉज तब मैं इतना ज़्यादा खुश था कि मैं बोल रहा था मैं गाड़ी कब लाऊंगा एंड घर में रखूंगा, इतना ज़्यादा मैं खुश था। तो मैंने थोड़ी सी क्लिप्स वगैरह ली है गाड़ी वगैरह की, और एक खास बात, हमने जो गाड़ी ली है वो हमने सेकेंड हैंड ली है, मारुति 800, ठीक है, वो आप आगे देखोगे, आगे मैं आपको बताता रहूंगा, जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा मैं वहाँ पे क्लियर करूंगा। ओके, तो देख लो आगे व्लॉग एंड मजे करो एंड सब्सक्राइब करो। फिलहाल गाइस फाइनली अभी हम चल रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे हमको ये गाड़ी लेनी है, ठीक है, मैंने उसको 7 रुपया क्योंकि वहाँ से स्कूटी उठानी है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला है, एंड वहाँ से जो गाड़ी है वो दूसरा बंदा लाएगा, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, ठीक है, जिंदगी में पहली बार गाड़ी लेने जा रहा हूँ, एंड पापा भी काम पे है, वो शाम को आएगा, लेट्स सी, देखते हैं आपको भी दिखाते हैं, लेकिन अभी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ठीक है, सो चलो चलते हैं। सो गाइस फिलहाल पहुंच गए यहाँ पे, क्योंकि गाड़ी के जो सीट कवर है वो यहाँ पे लगाना है, एंड देन उसके बाद मैं आपको गाड़ी दिखाऊंगा, वैसे आपने थोड़ी सी देखी होगी, उसके बाद वो सब कुछ फिट करते हैं। सो गाइस फिलहाल फाइनली यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे हमने पहले डिसाइड किया हम सीट के कवर्स लगाएंगे, बाकी ये जो गाड़ी का मसला है 2-3 दिनों से चल रहा है, इसका पेमेंट वगैरह हमने कर दिया, बस मैं वेट कर रहा था ये सीट कवर्स वगैरह का, जो कि आज फिलहाल अभी हम करने वाले हैं, एंड कवर हमने डिसाइड किया ये, ठीक है, ये रहा मेरे साथ ये भाई, एंड यहाँ पे वो पता नहीं भाई गए बाहर तक ऐसी, तो लगभग लगेंगे हमको यहाँ पे 2-3 घंटे आराम से सीट कवर लगाने में, एंड उसके बाद फिर निकलेंगे घर, एंड अभी मेरे को थोड़ी सी भी गाड़ी चलानी नहीं आती है, धीरे धीरे करके सीखेंगे एंड देखेंगे क्या रहेगा। बाय द वे घर वालों का रिएक्शन भी देखेंगे कैसा क्या रहेगा, क्योंकि जिंदगी में हमारी पहली गाड़ी आ रही है, ठीक है, सो यस लेट्स सी, देखते हैं कैसा क्या रहेगा। सो गाइस ये रही फ्रंट की 2 सीटें जो कि अभी सेट की जा रही है, इसके बाद बैक की करनी है, दिखाता लेकिन ये बंद है, ये देखो गाइस सीट कवर वगैरह लगाने के बाद एंड ब्रेक वेक ठीक करने के बाद हमने सीधे गाड़ी फाइनली अपने घर लाई। Few inches later. Okay, तो फिलहाल गाइस फाइनली हमने गाड़ी घर लाई, मैंने नहीं लाई जो कि मेरे दोस्त ने लाई, एंड अभी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं पापा को बिठाने वाला हूँ अपने साथ गाड़ी में, एंड पापा ने अभी तक गाड़ी नहीं देखी ना ही मम्मा ने देखी, मम्मा भी बोल रही है मैं देखूंगी, शायद मम्मी नहीं चढ़ेगी अभी, बाद में मम्मी बाद में आएगी, बाद में घर वालों को ट्रीट वगैरह भी देंगे शाम को, फिलहाल पापा चढ़ने वाला है गाड़ी में। पापा कितने खुश हो आप, खटारा है गाड़ी, आप जो बोलते थे ना गाड़ी गाड़ी, लेकिन इसे पुराना लाया, पर आपका नया कहाँ लाऊंगा, मेरे को नया लाना था, 5-4 लाख कहाँ लाऊंगा, चलो आज पुरानी लाई कल नई लाएंगे। हाँ कितने खुश हो आप, बहुत खुश हूँ मैं, आज हमारी डकोट आ गई, खुश हो, बहुत खुशी, खुशी नहीं देखो कैसे छलक रही है। चलो ये हमारी जिंदगी की पहली गाड़ी है, खुश रहो आबाद रहो तरक्की करो खूब, जिंदगी की पहली गाड़ी है बाबा, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, जिंदगी की पहली गाड़ी, बहुत
हमारे देखो, आपने सोचा था कभी से कहां पहुंच गए हैं? सोचा था कभी? कहां सोचा था इतना मिलेगा। चलो थोड़ा थोड़ा जिंदगी में सेट हो रहे हैं। चलो चलो दिखाओ, पापा का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। एंड फिलहाल अभी करते हैं काम, फिलहाल मैंने गाड़ी रखी है बाहर, पापा को बिठाते हैं फ्रंट सीट पे एंड चलते हैं घूमने के लिए। पापा खाएगा सवारी, पापा खाएगा सवारी। पापा मुझे बचपन से बोलता था कि जब आप, ये सबका ड्रीम होता है गर्ड ना पथकाल कुछ में कितना, तो आज मैं वो ड्रीम पूरा करने वाला हूं एंड मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, हद से भी ज्यादा। सो जो जो नया जुड़ रहा है वो भी अभी सब्सक्राइब करेंगे। फिलहाल गाड़ी में चढ़ते हैं एंड देखते हैं क्या रहता है। लेट्स गो। चलो ओके। तो फिलहाल गाइस फाइनली मैंने पापा को बिठाया अपनी फ्रंट सीट पे एंड अभी हम थोड़ा सा चले एंड अब मैं आपको दिखाऊंगा व्लॉग में भी कैसा क्या लग रहा है एंड बाकी मैं दिखाता हूँ अंदर से आपको गाड़ी। ये खटारा गाड़ी वो कैसी है? ये खटारा गाड़ी लाया इसने जी, गगरो खेमत, गगरो छन खेमत। एक्चुअली ये डिशन है, ये हमको परसों चेंज करना है, इसको 2,000-3,000 रुपए लगेंगे एंड ये भी तब सेट हो जाएगा सारा कुछ। बस बाकी ये ओके है, सीट कवर्स हमने कल लगाए थे आप देख सकते हो एंड ये भी हमने कल लगाया था, बस खाली अब ये चेंज करना है कि बहुत ऑड लग रहा है, बाकी गाड़ी एकदम सेट है। मेन होता है इंजन और गियर, वो एकदम जबरदस्त है। मैंने बहुत सारों को दिखाया, सबने यही बोला कि बहुत अच्छी करोड़ की गाड़ी है, 10 करोड़ की गाड़ी, 10 करोड़ की। अब सच बोलना कसम से, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, ठीक है, अच्छा है। अब सीख जाओगे इसमें फिर। अभी कितने अभी क्या सब्सक्राइबर मिले, फिर अल्लाह ताला नया गाड़ी भी देगा इंशाल्लाह। ऐसे दिया पहले कदम पे, तो मतलब सीढ़ी के पहले कदम पे तो कदम रखा है ना। ठीक, तो अभी हमको सब्सक्राइबर मिले वहाँ पे 2-3। पापा बोल रहे हैं गोडेस मिला साइकिल स्पीड में, मिला गाड़ी में, तो मेरे ख्वाहिश है। क्यों पापा? बहुत अच्छा लगा जैसे। चलो बस इसका डिश वगैरह चेंज करेंगे, इसके बाद गाड़ी एकदम जबरदस्त है, अभी चलाना भी आता है एंड लाइसेंस वगैरह अभी मेरे पास नहीं है, तो ज्यादा दूर नहीं जा सकता है। तो यस एंड इसमें अभी बहुत कुछ चेंज करनी है, चलाएगा गलियों में, इसमें बहुत सारी चेंज करनी है वो भी दिखाएंगे अभी गलियों में चलाएगा। ये फिलहाल अभी चलाते हैं, पापा आती है चलानी मेरे को? गलियों में चलाएगा, आती है, बहुत आती है। मैंने कल से सीखा, लगभग मेरे को हो गए मतलब 4-5 घंटे में मैंने गाड़ी सीखी, पूरी ट्रेन नहीं लेकिन ठीक। मैं 5 साल में नहीं सीख सकता, मुझे मूड है। चले बाबा, चलो। अले डर मत लग रहा है? क्या डर लग रहा है, डर के आगे जी रह गई थी, गुद पड़ गई तो मान गई। चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश शाबाश, देखो चल रही है। चलो 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 चलो, आगे की तरफ ध्यान दे दो, इनामा हूं सुनाता। चलो रोड को था ना सर। चलो 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 चलो, शाबाश शाबाश, ये अभी बन गए हम हेवी वाले व्लॉगर, शाबाश। अभी वो साइकिल वाइकल पे नहीं है, अभी गाड़ी में, अभी हम गाड़ी में मोटू व्लॉगिंग करेंगे। चलो 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 चलो, मजेदार, सब्सक्राइबर भी मिल रहे हैं। शाबाश 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 शाबाश, देखो भैया उधर से भी गाड़ी आ रही है जैसे हम लोग जा रहे हैं। चलो ड्राइवर साहब, शाबाश शाबाश शाबाश, गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब। पाप जी सेकंड ईयर, पाप जी क्या मामा गाड़ी साफ कर, पाप बनियो खाज, पाप बनियो खाज, बनियो ना भाई, बार बार पक, बार बार मैं जी वैसे कोचान, बार बार पक, टेंशन नॉट पापा, मैं पक बार 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 रास्ता नजर वजर बेस मूडस मूडस तल मोड़स वोड़स तलस ब्रेक दिवान रुकान गड़ वो ब्रेक वाले कट पर और माच गड़ वड़ क्या हुई लटरम शटर बैक ने वरियस दे छित ये सुन। अभी सोहेब ने एक ही रात में इतना सीखा। बाबा आपको भी बचपन में शौक था गाड़ी वगैरह का? है ना, हमको शौक वोक नहीं था गाड़ी वगैरह का, ऐसे ही मतलब मन करता था, मतलब किसी को दिल तो करता था। अब कैसा लग रहा है अपनी गाड़ी हमारे पास? बहुत अच्छा लगा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है अभी। हाँ? गुड़, चलो जैसी भी है वैसी है, तो अपनी अपनी होती है, अपनी होती है। अब कैसा लग रहा है आपको? शुक्र खुदा का, इतना दिया है, इतना बहुत होता है, वो हमारे लिए बहुत है। अभी हमने मारुति लाया, इसमें बहुत ज्यादा खुश है, बहुत है, बहुत मना रही निकोत्री शबनम हुई तूफान। जिंदगी में कभी सोचा था कहाँ यार इतना मिला, बहुत है शुक्र अल्लाह ताला का। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाकी मैं ऐसे मजाक मजाक करता रहता हूँ। चलो वो आप खुश हो? देखो यार खुशी कितनी छलक रही है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर बाप खुश है तो सब कुछ खुश है, ठीक है, तो सब कुछ ठीक है।
घर वाले खुश नहीं तो कुछ नहीं खुश रहो यार। बाकी मामा ने बोला क्योंकि घर में ताला नहीं हमने लगा था, मामा ने बोला शाम के टाइम जाएंगे एंड घर वालों को फिर पार्टी वगैरह देंगे, वो आप देखोगे नेक्स्ट वाले व्लॉग में। फिलहाल मैं ये वाला व्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ एंड जितनी भी मैंने ये गाड़ी सीखी, मैंने सीखी लगभग यही 2-4-5 घंटे में। पापा को भी ट्राई देंगे, लगभग 2-3 दिन तक मैं चलाऊंगा, मैं अच्छे से सीख जाऊंगा अच्छी तरीके से, उसके बाद फिर पापा को बोलेंगे चलाओ। पापा अभी कहाँ जाओगे आप? लाइसेंस नहीं है आपके पास, रोड में नहीं है अभी चलना। चलो ऐसे कोचे वोचे में चलाना, गार्डन वार्डन में।